तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे, तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है -73 डिग्री सेल्सियस, +273 इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, टू हंड्रेड केल्विन। मतलब इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन ऐसा दिया हुआ। एंड व्हेन हीटेड, जब ये हीट किया किया जाता है तो फाइनल टेम्परेचर 527 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। +273 इसमें ऐड कर दोगे तो 800 केल्विन फाइनल टेम्परेचर यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कहते हैं रूट मीन स्क्वायर इज डबल, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है वो डबल हो जाएगी। तो वी आर एम एस का फार्मूला क्या होता है? तो वी आर एम एस होता है, आप पढ़े होगे, रट लिए होगे, 3 RT/m, मॉलिक्यूलर मास अंडर रूट, ये वाली चीज़। तो यहाँ से देखोगे तो 3 RT, तो मेरे पास एक कंक्लूजन लगता है, तो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी अंडर रूट। तो यहाँ से तुम देखोगे तो वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर टी के। तो यहाँ से तुम, चलो वी आर एम एस क्या सच में डबल हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो वी आर एम एस फाइनल अपॉन वी आर एम एस इनिशियल, तो वी आर एम एस फाइनल मतलब तुम देखोगे तो टेम्परेचर फाइनल अपॉन टेम्परेचर इनिशियल अंडर रूट यहाँ से। तो टेम्परेचर फाइनल यहाँ से देखोगे तो 800 और ये आ जाएगा 200 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा पूरा 4 अंडर रूट, दैट इज 2। तो ऑब्वियसली जो वी आर एम एस है, वी आर एम एस फाइनल इज डबल वी आर एम एस इनिशियल, ठीक है ना? तो ये इनिशियल का डबल हो जा रहा है, ठीक है ना, ये इनिशियल। तो ऑब्वियसली जो पहला वाला सोल्यूशन, पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखो यार, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी अगर सेकेंड बात करोगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो 3/2 प्रोडक्ट और वॉल्यूम के इक्वल होती है। आप ये फार्मूला भी पढ़े ही होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक, तो सिर्फ इसी का प्रोडक्ट थोड़ी के बराबर है। इसमें 3/2 को खा जाओगे क्या, गायब कर दोगे? तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। मतलब बोथ स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल गलत बात है। तो सही क्या है इसमें से? तो सही है जो वो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, और ये सारे गलत है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आसान सवाल था। बाय बाय, टेक केयर।